मैसेल शीनू दुगल, वेलकम टू एग्जॉटिक म्यूजिक्स। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि है पनीर टिक्का सैंडविच। ये बहुत ही इजी और क्विक सैंडविच रेसिपी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बोल में 2 टेबलस्पून थिक कर्ड डालेंगे। उसके साथ हम 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और साथ में ही हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। साथ में हम 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, इससे बहुत सुंदर कलर आएगा हमारे पनीर टिक्का में। और साथ में 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, साथ में हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और उसी के साथ 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। सॉल्ट स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और साथ में 1 टीस्पून लेमन जूस। अब हम इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे और एक लंप फ्री मिक्सचर बनाएंगे। बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनाना है। सी, आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर कलर आया है। ये देखिए, हमारा लंप फ्री बैटर बन गया है। अब हम अपनी मैरिनेशन में 1 कप पनीर डालेंगे। ये डाइस किया हुआ पनीर है और साथ में 1/2 कप अनियन डाइस डाल देंगे और उसी के साथ 1/2 कप कैप्सिकम भी डाल देंगे। आप यहाँ पर रेड और येलो कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस पनीर को इतनी मैरिनेशन के साथ मिक्स कर देंगे। ये हमारे पनीर टिक्का की एक सुंदर सी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम अपना वॉक गरम करेंगे। एक बार ये हमारा वॉक गरम हो जाएगा, फिर हम अपना ये पनीर फिलिंग मैरिनेटेड वाला इसमें डालेंगे। और हमें इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पर ऑयल डाल दिया था। अब हम इस पनीर फिलिंग को 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौते करेंगे। बहुत ही झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। देखिए, हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी है। लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा। कितना सुंदर कलर आया है और मैं बताती हूँ, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा होगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। जब एक बार ही ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको अपनी ब्रेड की फिलिंग में डाल देंगे। इस पनीर फिलिंग में 2 टेबलस्पून धनिया पुदीना चटनी डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्टी सैंडविच बनेगा। और अगर आपको धनिया पुदीना चटनी नहीं पसंद, तो आप इसमें मेयोनीज भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छी क्रीमी हमारी फिलिंग बनेगी। या फिर आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए, तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। अब हम ब्रेड लेंगे। मैंने यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड ली है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो। और उसके ऊपर हम बटर स्प्रेड करेंगे। आप ये रेसिपी बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, उनको बहुत ही पसंद आएगी। और आप ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के लिए भी इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब हमने बटर लगा लिया। अब हम अपनी इसके ऊपर फिलिंग डालेंगे।
मे बी अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून जेनरस अमाउंट में डालेंगे। दोनों ब्रेड स्लाइस पे लगा देंगे। अब इसकी पनीर फिलिंग के ऊपर हम एक चीज स्लाइस भी रख देंगे। अगर आप चीज़ नहीं खाते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट चीज़ के साथ बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और हम दूसरी स्लाइस के साथ इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे, हल्के हाथों से करेंगे सो दैट हमारा ब्रेड टूट ना जाए। अब हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर में बटर लगा देंगे। और इसको अपसाइड डाउन करके हम अपने तवे पे रख देंगे ग्रिल होने के लिए। और हम अपने ऊपर वाली ब्रेड पर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। अब इसको हम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे सो दैट ये ग्रिल हो जाए और नीचे से ग्रिल मार्क्स भी आ जाए। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप टोस्टर में भी, ग्रिल टोस्टर में भी इसको बना सकते हैं, और नहीं तो आप प्लेन तवा पे भी बना सकते हैं, जो अपना नॉर्मल तवा होता है रोटी वाला, आप उस पर भी बना सकते हैं। सी, अच्छी तरह से हमारी ब्रेड पर ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा सैंडविच ग्रिल हुआ है, बिल्कुल रेड मार्क्स अच्छे वाले आए हैं। इसका मतलब हमारा सैंडविच प्रॉपर ग्रिल हुआ है। और आपको ज़्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से दबाना है, नहीं तो हमारी ब्रेड टूटने का डर हो जाएगा। हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। आई एम श्योर आपके सबको, आपके फ्रेंड्स को, आपकी फैमिली फ्रेंड्स, बच्चों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए कितना चीज़ी और कितना टेस्टी, अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। क्वाइट यम। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।